देता लोग उतारा है भाजपा वाला से। हम कुछ लोग आए हुए हैं चाहते हैं कि समाज में बंटवारा कर, समाज बटे वाला हो, हम लोग बटेंगे जी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके बोले बटेंगे, लड़ाई लड़े के बाद काम करे के बाद और जीते के बाद। जैसे मोकामा गोपालगंज का सर्टिफिकेट महागठबंधन के कैंडिडेट लेंगे, बीजेपी वाला के सिंहासन दिल्ली में डोले लगेगा। यहाँ बड़गड़ाने वाला नेता लोग उतारा है भाजपा वाला से। हम कुछ लोग आए हुए हैं चाहते हैं कि समाज में बंटवारा कर, समाज बटे वाला हो, हम लोग बटेंगे जी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके बोले बटेंगे, लड़ाई लड़े के बाद काम करे के बाद और जीते के बाद। तो भाई जिस दिन 3 तारीख के वोट बा, सब लोग एक एक आदमी के ड्यूटी, बाकी 4-4, 5-5 वोट जो है दिलवाना है। जो लोग वोट से वंचित रहे उनको बूथ पर लेके जाना है। अरे मेकड़ा के पहलवान लोग तो टगले ले चलिए, कमी हो ही, अरे कमी नहीं ना होगा। अब देखिएगा जैसे मोकामा गोपालगंज का सर्टिफिकेट महागठबंधन के कैंडिडेट लेंगे, बीजेपी वाला के सिंहासन दिल्ली में डोले लगेगा। समझ रहे हैं ना, तो हिलाना है ना, बटन दबेगा मोकामा में और दिल्ली हिलेगा। अरे भाजपा वाला लोग के महंगा ही बता, प्याज का माला पहन लेता था। हाँ कैश जब 500 रुपया हो गया था सिलेंडर, तो सिलेंडर लेके बैठता था और गीतवा गाता था, महंगाई डाइन खाई जाते हैं जब 500। अब इनकरा मोदी जी के राज में 1200-1300 हो गई, तो इनकरा के महंगाई डाइन नहीं, भावजाई नौकरी है क्या? तो इस पे कहां कोई बात करता, हर चीज महंगा हुआ है कि नहीं हुआ, ना नौकरी दे रहा है ना महंगाई कम कर रहा है, खाली झूठ पे झूठ, वादा पे वादा, वादा पे वादा। तो गाना था ना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसमे वो इरादा, तो याद दिलाइएगा जरा, वो लोग आएगा तो। आप इतना ही कहना चाहते कि आज आप लोग के आशीर्वाद से आपका भाई आपका बेटा उप मुख्यमंत्री बना। आप लोग अगर प्यार नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते, तो शायद हम यहाँ खड़े नहीं होते, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री नहीं होते। हमने जो पिछला चुनाव में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, हमने कहा था उस समय 10 लाख जो है सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि 15 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि 20 लाख रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। बेरोजगारी असल मुद्दा है, महंगाई असल मुद्दा है, किसान का है दुगना हो ये असल मुद्दा है, देश का संविधान बचे लोकतंत्र बचे ये असल मुद्दा है, देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे ये असल मुद्दा है, गरीबी को कैसे खत्म करना ये असल मुद्दा है। तो मुद्दा पे भाजपा वाला लोग बात नहीं करेगा, बात किस पे करेगा, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर गाय इसी पे रह जाए, काम का बात नहीं करेगा, आपको रोजी रोटी देने का पेट भरने का गरीबी मिटाने का ये लोग बात नहीं करेगा। ये लोगों को बताइए कोई लेना देना नहीं है, ना बिहार की जनता से ना देश की जनता से। असल में डर जो भाजपा के बाद वो 2024 के बाद, और हम निश्चिंत हैं, हमें पूरा बिहार की जनता पर विश्वास है कि 2024 में भाजपा का 40 में से 40 सीट जो है महागठबंधन को आएगा, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। नीतीश जी ने साफ बोल दिया कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनका यही प्रयास है, उनकी यही कोशिश है कि देश में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको जोड़ करके जैसे बिहार में भाजपा को पटकनिया दिया, वैसे ही देश में पटकनी देने का काम करेंगे।